नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट दो, वर्ण और मात्राएं। जो कुछ बचा हुआ था इसके पिछले वाले वीडियो में आपको वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, ये सारी जानकारी आपको दी गई। मात्राएं भी आपको बताई गई। आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं बताई गई थी जो हम आज आपको बताएंगे और इस चैप्टर का अभ्यास कार्य भी हम करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, आपको इसमें बताया ही गया था अयोगवाह, दो जो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, और एक आपको बताया नहीं गया था अनुनासिक। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद सीधे हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अनुस्वार और विसर्ग, बच्चों अनुस्वार अंग कहते हैं। जो अंग होता है इसे ही अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे चंदा। ठीक है, और भी इसके उदाहरण जैसे रंग, भंग, ये क्या है, ये इसका उच्चारण जो होता है वो नाक के द्वारा होता है, इसे ही अंग को ही क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अयोगवाह जो आपको बताया गया था, अयोगवाह, अयोगवाह दो होते हैं, अंग और अह। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अह, अह से बने शब्दों को आप देख लीजिए, जैसे प्रातः, समझ आ गया। अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक आम को ही अनुनासिक कहते हैं। इनका उच्चारण नाक और मुंह की सहायता से होता है, जैसे चांद, पांव। ये क्या है, ये लिखे हैं हम क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ओके, आइए बच्चों अभ्यास कार्य से पहले प्रश्न से हम शुरू करते हैं पुनरावृत्ति। आपको पढ़ाया भी जा चुका है, एक बार हम फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। तो आइए देख लीजिए, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। इसके उत्तर में लिखवाया गया है, एक बार और आप देख लीजिए। उत्तर है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। उत्तर में आपको लिखाया यही गया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और इसे पूछा गया है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। आपको बताया गया है, वर्ण के दो भेद होते हैं, नंबर एक स्वर, नंबर दो व्यंजन। अगला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। उत्तर है, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना हो उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना, अन्य ध्वनियों या अन्य वर्णों की सहायता के बिना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपको लिखाया गया, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उत्तर में है, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न भी। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है स्वर और व्यंजन के बारे में बताइए। प्रश्न दिया गया है, स्वर और व्यंजन के बारे में बताइए। उत्तर में आपको लिखाया गया है, आप ध्यान से देखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं तथा व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 39,
39 व्यंजन होते हैं। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसे कहते हैं। उत्तर में आपको लिखाया गया है स्वरों के चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। जी आपको पता होना चाहिए स्वर के विषय में बताया गया था कि स्वर के दो रूप होते हैं, एक मूल रूप और एक मात्रा रूप। जो स्वर का मूल रूप होता है उसी का जो चिन्ह होता है वही क्या होता है, उसका मात्रा रूप होता है। ठीक है, आइए हम अभ्यास कार्य की ओर और आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है दिए गए भाषाओं को जोड़कर शब्द बनाओ। यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे कुछ ध्वनियाँ दी गई हैं जिनको अलग अलग लिखा गया है। अब आपको उनको क्या करना है, इकट्ठा करके शब्द बनाना है, उनको जोड़ना है। आइए देखते हैं यहाँ पे जो भी दिया गया है। यहाँ पे बच्चों दूसरा प्रश्न है प्रश्न दो, इसमें पहला जो दिया गया है वो है ग, हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्वर रहित है। ओके, प्लस आ प्लस य प्लस अ। ठीक इसी प्रकार से नीचे दिया गया है, पहले हम सभी को इकट्ठा यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके आपको समझाते हैं कि इनसे शब्द कैसे बनेंगे। ओके आइए देखते हैं, यहाँ पे अगला दिया गया उ द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस ओ। ठीक है, उसके बाद दिया गया म प्लस अ प्लस छ प्लस अ। फिर यहां पे दिया गया ल और ई। उसके बाद है यहाँ पे प प्लस आ प्लस न प्लस ई। उसके बाद दिया गया ह प्लस छोटी ई प्लस म प्लस आ। फिर दिया गया ल, फिर य प्लस अ। ये सभी ध्वनियां आपके बुक में दी गई हैं। प्रश्न संख्या दो, इसमें दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें वर्णों को अलग अलग करके लिखा गया है। इसमें आप वर्ण को इकट्ठा जोड़ के लिखेंगे तो उससे जो बनेगा वो शब्द ही तो होगा। आइए देखते हैं कैसे जोड़ के लिखा जाता है और इन सब वर्णों से कौन सा शब्द बनेगा। ओके आइए देखते हैं। देखिए वर्णों को जोड़ने का एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले आप एक एक को लिखते चले जाएंगे, सबसे पहले जो है, उसके बाद जो उसके बगल में दिया गया है उसको आप जोड़ेंगे, उसमें यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है उसके आगे वाले को जोड़ते चले जाएंगे और शब्दों का निर्माण करते चले जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है ग, पहले आधा ग दिया गया है, इसमें स्वर नहीं है, ये शुद्ध व्यंजन है और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे घ। अभी इसको लिखे हुए हैं घ, इसमें जब हम प्लस करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है आ। आ क्या है, एक स्वर है। जब हम इसको व्यंजन के साथ लगाते हैं तो ये अपने मूल रूप में न आकर के मात्रा रूप में आता है, तो आ का जो मात्रा रूप है हम इसके साथ लगाएंगे, आ स्वर के बगल में आता है ऐसे, ये हो गया गा। यहां से हलंत हट जाएगा और ये हो जाएगा गा। यहां य दिया गया है, अब हम आगे वाले को लिखेंगे य। उसके बाद अ दिया गया है, स्वर अ की कोई मात्रा नहीं होती है लेकिन उसके साथ को लगा रहता है, तो ये क्या हो गया गाल। इन वर्णों से च
चार वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना, वो क्या? गर। आगे देखते हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसे यहां पे दिया गया, ये भी देखिए ऊ दिया गया है, ऊ स्वर है। ऊ आपको बताया गया है कि स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, न कोई किसी के मेल से बनते हैं और न ही किसी के द्वारा इनका उच्चारण होता है, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ऊ दिया गया है, ऊ को हम वैसे ही लिखेंगे ऊ। यहाँ पे द है आधा।